इधर इधर बहुत तरी यार कैसे भाग गया ये यार। नवीद भाई मुझे अभी शयान ने बताया है कि वो उड़ गई है। ओह यार हमारी कूंज भाग गई भाग गई। अब नहीं हाथ आती है ये गई ये गई। ओह इधर से हैं जल्दी हैं नवीद भाई जल्दी आओ यार उड़ गई उधर चली गई है जल्दी आओ। बस ये गई। ओए होए 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 अब क्या करूं यार सिर्फ तैरना पेपर देने की हवा में। अब पता नहीं मैं यार पकड़ पाता हूँ या नहीं पकड़ पाता इसको। ये गई। ओए होए 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 क्या करूं क्या करूं क्या करूं। नवीद भाई यार पकड़ लेंगे इसको ना उस साइड से इधर 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 उधर गई 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 गई। ओए रुक जाओ कहाँ जा रही हो यार। शुक्र ये उड़ नहीं पा रही नहीं तो अभी तक ये उड़ चुकी होती। पकड़ लो नवीद भाई। अच्छा एक मिनट बात सुने आप मोबाइल पकड़े मैं पकड़ता हूँ। कांटे हैं यार ये तो बहुत कांटे हैं। पकड़ी गई पकड़ लिया यार थक गए हो बहुत भगाया। तो फाइनली दोस्तों हमने ना कूंज को पकड़ लिया है और मैं अकेला था और मेरे साथ में नवीद भाई थे। हम दोनों ने मिलके इसको पकड़ लिया आखिर। और ये थक चुकी है इसलिए बैठी हुई है बहुत ज़्यादा भागी है ये। लेकिन इसको हमने पकड़ लिया अब इसको हम उठाते हैं और लेके चलते हैं मिनी जू में। चलो भाई आ जाओ भागना नहीं अब तुम्हें ना मिनी जू में छोड़ देते हैं। चलो आ जाओ। तो अब दोस्तों हम लेके जा रहे हैं इसको मिनी जू में और वहाँ पर जाके छोड़ देते हैं। हाँ भाई अब नहीं भागना तुम सही है ऐसे खाम खा डर रही हो। कितना प्यारा मिनी जू है हमारा पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा यार। जू ही देखती है दरवाज़ा खुला हुआ है ना ये बाहर चली जाती है। आज भी ऐसे क्या कल भी कोशिश करके निकलने की। कल तो इसको हमने कवर कर लिया था लेकिन आज भाग गई। ओह शुक्र है पकड़ लिया यार हमें पता चल गया कि भाग गई है। अभी चलते हैं। ध्यान मेरी आँख पे नहीं मारना अगर इसने आँख ज़्यादा हाँ जी ये आँख पे ज़्यादा वार करती है अगर मार दिया तो मेरी आँख निकल जाएगी मुझे जो लग रहा है। जल्दी से लेके चलते हैं यार डर भी काफ़ी लग रहा है मुझे। तुम्हारे दोस्त लेकर आएंगे फिर ही आराम से रहेगी यार मिनी जू में। अभी निकल जाती है ये इसको मज़ा नहीं आ रहा। इसके जब दोस्त आ जाएंगे ना फिर इसको मज़ा आएगा मिनी जू में रहने का। ये भैया काफ़ी सारे होते फिर नहीं पकड़े जाते ये अच्छा। चार पांच इकट्ठे होते फिर नहीं पकड़ी जाती ये। अच्छा जी फिर इनका साफ जहर है चार पांच को फिर कैसे एक नहीं पकड़ी जाती थी चार के पीछे कैसे लगते हैं हम। कोई कहाँ जा रही होती कोई कहाँ जा रही होती। चलो अभी जाओ मिनी जू में जाओ वेलकम जाओ भागो शाबाश। फिर बाहर नहीं निकलना थका दिया खाम खाम है यहाँ पर खाना पीना करो बस। तो यार हमने कूंज को पकड़ लिया है अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी यार। मिल गई शुक्रिया। चलो आओ तुम कहाँ थे यार इतना देर क्यों लगा दिया आसिफ टैन भाई। आज़ादी मिल गई है मुझे हो गया सारे पेपर देने जाऊँगा। हाँ अगर फेल हो गया तो दोबारा देना पड़ेगा। यार इसके अब क्या करें आसिफ टैन ये उड़ती शेर को शिफ्ट करना है मकाओ को शिफ्ट करना नहीं करना नहीं करना क्यों। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं काफी भाई कह रहे थे मकाओ फिर उधर ना पौधे शौधे खा लेंगे ना इस वजह से। तो फिर शेर का घर तो बनवाना है ना। हाँ वो फिर घर बनवा लेते हैं। मुझे कूंज का बताओ अब कूंज को क्या करें उसके पर मजीद का। लेकिन यार नहीं पर नहीं काटते ये उड़ नहीं पाते इतना बड़े भागी तो भागी थी कैसे भागी है बड़े बड़े जंप मारे हैं इसने उड़ नहीं पाते। तो तुम जंप मार सकते हो उसकी तरह। नहीं नहीं यार फिर भी यार इतना उसको बेचारे को जुल्म ना करें क्योंकि थोड़ा सा ये भी भाग दौड़ करे ना खुश रहे इस वजह से मैं कह रहा हूँ। चलो बाहर ना जाए बस। हाँ बाहर ना जाए यार बहुत मुश्किलों से पकड़ा इसके दोस्त भी लाने यार कल तक मुझे लगता है आ जाएंगे। मैंने बात की है इंशाल्लाह कल तक इसके दोस्त भी आ जाएंगे कूंज के। फिर तो अच्छा है यार फिर ये खुश रहेंगे आपस में अपनी कम्युनिटी होगी अंडे शंडे देंगे बच्चे देंगे और बढ़ जाएंगे। ये भी है। चलो यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने में कब तक आएगी कल परसों देखते हैं। चलो यार ठीक है ये तो अच्छा हो गया इसको गुड न्यूज दे देते हैं ये अकेली घूम रही है ना। हाँ भाई कूंज इधर आओ जरा तुम्हें गुड न्यूज दूं मैं। इधर आओ तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं तुम्हारे दोस्त। काफी भाई मुझे कह रहे थे कि भाई आप अपनी मछलियां अब नहीं दिखाते
तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको ना अपनी मछलियाँ भी दिखा दूँ। यार इनका पानी बहुत ज़्यादा मैला हो जाता है ना, इस वजह से मैं ना आपको नहीं दिखाता क्योंकि नज़र नहीं आती ना। आप देखें कितना मुश्किल से मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये मछलियाँ बहुत ही यहाँ पर खुश हैं क्योंकि एलजी इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जो नीचे ज़मीन को नहीं चिपकी हुई होती ग्रीन ग्रीन, जिसकी वजह से ये सारा पानी ग्रीन है। तो ये बहुत शौक से खाती हैं और इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, तो ये बहुत ही खुश हैं हमारी मछलियाँ। और मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आपका एक्वेरियम भी होता था वो तो दिखाया करें, काफी दिनों के आपने एक्वेरियम को दिखाया ही नहीं है। तो उस एक्वेरियम में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मछली है ऑरेंज फिश, उसको भी मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। और सोच रहे हैं कि यार उसके अंदर हम और मछलियाँ लेकर आए, तो चलते हैं यार देखते हैं। ये देखें यार सिर्फ एक ही हमारी ऑरेंज फिश है और हमारा एक्वेरियम भी देख सकते हैं दोस्तों वैसे का वैसे जैसे आपने पहले देखा था, बस यहाँ से ना ये दाग आ गए, ये पता नहीं अब कैसे उतरेंगे यार, बाकी नीचे से सारा ठीक है। हाँ भाई तुम कैसी हो, बहुत ज़्यादा डरती है यार ये देखें बिल्कुल करीब नहीं आती। पहले क्या होता था हमें देखती थी यहाँ पर आके, हमें टच करने की कोशिश करती थी लेकिन अब नहीं करती। तो आप भाई क्या हुआ? ये सोच रहा हूँ कि इसको ना हम चेंज करते हैं, इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके इसमें छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियाँ डाल के ना एक्वेरियम को न्यू कर देते हैं, अगर तुम मेरा साथ दो। नहीं नहीं हो जाएगा, करते हैं। मैंने बोला है सबको कि हमने ना चेंज करनी है, मछलियाँ और लानी है। मैं कहता हूँ करो। अच्छा ठीक है डन हो गया। ओके 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 सही है। हाँ मुफासा आज और हरकत कर दी तुमने, अपना बर्तन ही तोड़ दिया। देख रहे हैं दोस्तों ये जिस बर्तन में गोश्त खाता था ना, अपना खाना खाता था उसी को तोड़ दिया है। यार ये तो बहुत यार अजीब होता जा रहा है मुफासा, कल इसने सिल्की एंस के चूजे खाए, आज अपने बर्तन तोड़ दिया है, और मुझे लगता है कि ये जब बड़ा होगा ना हमें भी खा जाएगा। सर अभी ना अपने घोड़ी के पास आया हूँ, ओए ओए क्यों ऐसा क्यों किया इसने, नॉर्मली गया हूँ मैं तो। हाँ क्या हुआ, डरी क्यों हुई हो, कल नहीं गया था तुम्हारे पास इसलिए डर गई हो तुम? यार मैं हूँ, इसने समझा कोई और आ गया है। अच्छा मैं हूँ यार तुम्हारा दोस्त। मकाओ यहाँ पर शोर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास भी आओ, तुम्हारे पास भी आ गए हैं भाई, ये लो ये लो। ओए तुम भी गुस्से में हो, हाथ लगा रहे, ये कौन है जैक, ये विजी है, विजी तो गुस्सा नहीं करती यार, विजी क्या हो गया तुम्हें, ओहो विजी भी मार रही है ये देखो। कोई बात नहीं यार चलता रहता। यहाँ पर ना नवीद भाई ने घास भी डाल दिया बकरियों को और ये शौक से खा रहे हैं। सिर्फ इसके अलावा ये बकरी वो खाती है, दरख्त खाती है यार, इसके अब स्पेशल दरख्त तोड़ने पड़ेंगे क्या यार, दरख्त नहीं तोड़ने चाहिए यार, ये तो नुकसान है, ऐसे इन्वायरमेंट खराब होता है, तुम ये वाला घास खाया करो ठीक है। तो यार ये वाला दरख्त तोड़ना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, बकरी क्योंकि यही घास खाती है, घास नहीं है दरख्त खाती है, मतलब ये यहाँ से तोड़ देते हैं थोड़ा सा बस। हमें इस बकरी की आदत वो वाले घास की करानी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा ये देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा वो ठीक है। तो आप ये लो डालो डालो डालो, इसको बाहर निकालेंगे, घोड़ी को खिला के देखो, घोड़ी ये वाला घोड़ी को खिला के देता हूँ, वो बकरी को दे दो तुम, ये लो खाओगी, ये अच्छा होता है। हाँ तो छोड़ोगी कौन सा, ये देखो कैसे खा गई है, गुड तुम भी खाओ भाई, सबसे अलग हो तुम यार। ये ले नवीद भाई, यार जल्दी निकालें, टाइम हो गया आज ज़्यादा हो गया यार, 15-20 मिनट लेट हो गए हम। यार अभी हम क्या करने वाले हैं, गैया का दूध निकालने वाले हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, और आजकल हमारी गैया दूध भी ज़्यादा दे रही है यार, इसको ना जो खुराक मिल रही है ना काफ़ी हेल्दी वाली मिल रही है, तो दूध ये ज़्यादा देती है। अब सबसे पहले पिएगा गाभा दूध और उसके बाद पिएंगे हम, पहले गाभा की बारी उसके बाद हमारी बारी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।